Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine. Children, today I am going to teach you take the correct answer in maths. बच्चो, आज मैं आपको maths में take the correct answer पढ़ा रही हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तरफ मैंने shapes के pictures बनाए हैं और दूसरे तरफ मैंने दो नाम write किए हैं. जो इनके इस शेप का जो सही नाम है आपको उसमें टिक करना है. तो टिक द करेक्ट आंसर का मतलब जो भी सही आंसर है उसको आपको टिक करना है. तो सबसे नंबर वन में आप देखिए, ये किस चीज की, कौन सा शेप है ये, आप इसको पहचान सकते हो. मैं आपको पहले भी शेप्स पढ़ा चुकी हूँ. तो इस शेप को बोलते हैं ट्राइंगल, TRIANGLE ट्राइंगल है और दूसरी तरफ OVAL ओवल है. तो इस शेप का नाम क्या है, ट्राइंगल है या ओवल है? तो इस शेप का नाम ट्राइंगल है. तो हम लोग ट्राइंगल के तरफ क्या करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल इस शेप का नाम है तो ये सही आंसर है. तो इसमें हम लोग टिक करेंगे, इसी को बोलते हैं टिक द करेक्ट आंसर. आपको दोनों में से देखना है कौन सा आंसर सही है और जो सही है उसके बगल में ये बॉक्स है उसमें आपको टिक करना है. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कौन सा है शेप, इस शेप को क्या बोलते हैं, CONE कोन या CIRCLE सर्कल. अब कोन बोलते हैं इस शेप को या सर्कल बोलते हैं? तो इस शेप को हम सर्कल बोलते हैं और सर्कल की स्पेलिंग क्या होती है, CIRCLE सर्कल. तो सर्कल क्या हुआ, ये सही आंसर है तो इसमें हम टिक करेंगे. जो सही आंसर है उसको हमें टिक करना है. नेक्स्ट देखिए, ये कौन सा शेप है, इस शेप को क्या बोलते हैं, SQUARE स्क्वायर या TRIANGLE ट्राइंगल. स्क्वायर बोलते हैं या ट्राइंगल बोलते हैं? तो इस शेप को हम स्क्वायर बोलते हैं और स्क्वायर की स्पेलिंग क्या होती है, SQUARE स्क्वायर. इसको आप टिक करेंगे क्योंकि जो आंसर सही होता है उसे ही हमें टिक करना है. ठीक है, नेक्स्ट शेप देखिए, इस शेप को हम बोलते हैं सर्कल बोलते हैं या रेक्टेंगल बोलते हैं, CIRCLE सर्कल बोलते हैं या RECTANGLE रेक्टेंगल बोलते हैं. तो इस शेप को हम रेक्टेंगल बोलते हैं, तो रेक्टेंगल को हम लोग इस तरह से टिक करेंगे, जो सही है उसको हम लोग टिक करेंगे. ओके, अब नेक्स्ट देखिए, शेप कौन सा है, इस शेप को क्या बोलते हैं, OVAL ओवल या SQUARE स्क्वायर. तो इस शेप को हम ओवल बोलते हैं, ओवल सही आंसर है तो ओवल में हम लोग टिक करेंगे, जो आंसर सही है उसमें हम लोग टिक करते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए कौन सा शेप है, इस शेप को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, यहाँ दो ऑप्शन दिया है आप देखिए, CIRCLE सर्कल या CONE कोन. इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कल बोलते हैं या कोन बोलते हैं? तो इस शेप को हम लोग कोन बोलते हैं. तो कोन क्या हो गया, सही आंसर है तो कोन को हम लोग टिक करेंगे. तो इस तरह से आपको एग्जाम में भी दिया जा सकता है कुछ भी, तो आपको सोच समझ कर सही आंसर को टिक करना है. ओके चिल्ड्रेन, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रेन, थैंक यू.